सो यार वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है डिजलाइन के इस चैनल पे। तो भाई बहुत लोग का भाई 4K एम्पलीफायर का जरूरत काफी लोगों को है, स्ट्रेंजर का या एहोजा का 6000 वॉट हो या कोई भी एम्पलीफायर जो 4000 वॉट के अंदर आता है, वो काफी लोग का भाई मांग था। तो आज 4K 4200 वॉट के यानी 4000 से ज्यादा वॉट का एम्पलीफायर हम आज ला चुके हैं इस वीडियो के अंदर, और सारा डिटेल के अंदर बात करेंगे भाई क्या इसमें प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है। तो वीडियो के एंड तक बनिएगा, सारा चीज समझ में आने वाला है। इसका प्राइस आपको पहले भी पता चल चुका होगा, और इसका जो अगर मेरे सब्सक्राइबर हो तो इसमें से डिस्काउंट भी आपको मिलने वाला है, और काफी तगड़ा डिस्काउंट, 4% का इसमें से डिस्काउंट मिलने वाला है जितने इसका प्राइस रखा गया है। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो के एंड मिस नहीं कीजिएगा। ठीक है, ऐसे समझाएंगे कितना वॉट का इसे इनपुट या आपको आउटपुट दे सकता है, क्या क्या चला सकते हैं इसके अंदर, सारे डिटेल के अंदर बात करेंगे। ठीक है, एंड तक बने रहिएगा। तो भाई सबसे पहले यहाँ पे हम शुरू में बात ये कर लेंगे कि भाई ये जो एम्पलीफायर है वो कौन सा कंपनी का है। ठीक है, तो गाइस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये अमेरिकन कंपनी एम कंपनी का है। इससे पहले आपने कभी ये मशीन के एम्पलीफायर का ये चीज नहीं सुना होगा कि एम कंपनी का भी कोई एम्पलीफायर आता है। तो हाँ भाई, एम कंपनी का भी एम्पलीफायर आता है, बहुत लोगों को नहीं पता है। ठीक है, उसको मैं बताना चाहता हूँ कि ये एम्पलीफायर टॉप वगैरह बेस वगैरह में यूज हो सकता है। ठीक है, और ये होता भी है, बहुत लोग इसको चलाते भी है। ठीक है, ये आपको अवेलेबल कोलकाता साइड में है, अवेलेबल आता है, इधर देहाती वगैरह एरिया में नहीं आता ये एम्पलीफायर। ठीक है, बेसिकली कोलकाता में आपको एम्पलीफायर मिल जाएगा, और काफ़ी महंगा एम्पलीफायर है। ऐसा नहीं है कि भाई थोड़ा सस्ता एम्पलीफायर जैसे स्ट्रेंजर हो गया, ये सब एम्पलीफायर जैसा नहीं है। मैं एम्पलीफायर जो स्ट्रेंजर का, उसको भी मैं गलत नहीं लगाता, क्योंकि वो काफ़ी तगड़ा एम्पलीफायर है। और जहाँ तक मेरे को लगता है भाई कि एम्पलीफायर का जो भाई पावर है, यानी कि जितना वो आउटपुट देता है, उतना मेरे को इस हिसाब से लगता है कि जितना दे उतना ही अच्छा है। ठीक है, बहुत एम्पलीफायर होता है कि कुछ दिन के बाद, कुछ समय के बाद उसमें से काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाती है। ठीक, लेकिन इसमें से कुछ नहीं है, मशीन एकदम नया है, इसमें से कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं आपको फोटो दिखा देना चाहता हूँ यहाँ पे, कि फोटो आप देख लो कि साइड साइड में कैसा है। ठीक है, इसके अंदर में खोल के फोटो नहीं दिखाया भाई ने, वो चीज़ का बहुत बड़ी एडवांटेज है। इसमें से वीडियो वगैरह भी नहीं है, मैं आपको चारों तरफ से मैं इसको दिखा दूंगा, मशीन एम्पलीफायर बता दूंगा कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो इसमें से जो इसका वोल्टेज है वो 4200 वॉट, यानी कि 4000 से अधिक वॉट का है। तो इसमें से आप 4000 लोड दे सकते हो, 4500 वॉट का भी इसमें लोड दे सकते हो। ठीक है, इससे जो एंड जाता है वो 4700 वॉट का इसका एंड आउटपुट जाता है, जहाँ तक मेरे हिसाब से लग रहा है। और भाई ने बताया है कि 4500-4700 वॉट आराम से उठा लेता है, इसमें से कोई दिक्कत नहीं आता है। ऐसा नहीं कि भाई बेस या टॉप का स्पीकर काटता है, ये किसा कुछ नहीं करता है। ठीक है, सिंपल गाइस, ये एक ऐसा एम्पलीफायर है जो स्ट्रेंजर का ही बराबरी करने वाला है कुछ दिन के अंदर। ये एम्पलीफायर मैं आपको बता दूं कि मार्केट में एहोजा से भी आगे आ सकता है, इसका अगर थोड़ा सा प्राइस का कम रहे तो। बहुत लोग भाई इसको इसलिए ये बेच इसलिए रहे हैं, इसका रीजन सुन लो, वो पूरा सेट ही सेल कर दिए। ठीक है, एम्पलीफायर वगैरह थोड़ा सा बच गया है, एम्पलीफायर से बड़ा सेट के अंदर भाई बहुत लोग भाई एम्पलीफायर एक्स्ट्रा ले के रखते हैं। ठीक है, तो सेटअप इसका बिक गया। ठीक है, तो इसका एम्पलीफायर सिर्फ रखा हुआ है, तो जितने भी लोग को अगर लगता है कि एम्पलीफायर ये सही है, और जहाँ तक मैं बताया हूँ आपको ये एम्पलीफायर सही ही है, ऐसे कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाला है, जितने लोग इसको बेस या टॉप चलाने के लिए ले सकते हैं तो वो ले सकते हैं। ठीक है, इसमें से कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें का जो प्राइस भाई आपको मैं पहले दिखाई भी दिया हूँ, ठीक है, इसका प्राइस मैं वीडियो के अंदर नहीं बताऊंगा। ठीक है, 4% का डिस्काउंट है अगर मेरे सब्सक्राइबर हो। ठीक है, इस पार्टी से आप बात करोगे वो सबसे पहले आपको यही क्वेश्चन करेगा कि भाई आप मेरे सब्सक्राइबर हो या नहीं हो। ठीक है, आपको वहाँ पे स्क्रीन शॉट भी मांग सकता है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, लाइक करना इस वीडियो को, एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू। और साथ में गाइस ये चीज बात कर लेते हैं, अगर आप भी सेटअप लेना चाहते हो तो सिंपली गाइस आपको सबसे पहले सब्सक्राइब करना होगा चैनल को, इस चैनल को काफ़ी दूर दूर तक तो फैलाना होगा, यानी कि शेयर करना होगा इस चैनल को। जितना भी शेयर करेंगे उतना ही आपको नेक्स्ट सामान मिल पाएगा, क्योंकि भाई अपना घर से हम सामान नहीं दे सकते हैं, ये चीज़ आपको जानकारी पहले होना चाहिए। आप जितने भी लोग इस चैनल पे जोड़ेंगे, जितने भी लोग इस चैनल पे लाओगे, उतना ही सामान मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मेरे सबसे कांटेक्ट नहीं हो सकते, ऐसे ही मैं कांटेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, आप लोग ही कॉन्टैक्ट कराओगे लोग से लोग को। ठीक है, तो गाइस इसको आप जितना भी हो सके वीडियो को शेयर करना, ठीक है, लाइक करना। और इसका जो प्राइस मैं आपको पहले बता दिया, इसका डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा। ठीक है, क्योंकि भाई वीडियो में नंबर देता हूँ तो भाई लोग बहुत लोग बिक जाने के बाद ही कॉल करते हैं, तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलना, वहाँ पर सारा डिटेल है। इसका जो प्राइस है वो काफ़ी कम है, और इसका जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सामान बिहार के अंदर है। ठीक है, ये सामान बिहार के अंदर रखा गया है, और अभी भी सेफली रखा है, ऐसे कोई भी दिक्कत नहीं कि जो इसको चलाया जा रहा है, ये रखा है। वीडियो यहीं से एंड करते हैं। ठीक है,
और जितने भी लोग वीडियो यहाँ से देख रहे हैं उसके लिए थैंक यू। और एक सब्सक्राइब ठोक के जाना भाई, बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसके लिए भाई सब्सक्राइब करना, आपका ही फायदा होने वाला है इसमें, मेरा कोई फायदा नहीं हो रहा। ठीक है, मिलते हैं सब, तब तक के लिए बाय।